सब्सक्राइब कीजिए आरएस एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। आप लोग जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पढ़ते हैं उसमें कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिनका नॉलेज होना हमें जरूरी है, तो बहुत ही बेसिक टर्म्स मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जैसे कि चार्ज क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर, एनर्जी, वर्क एंड दैट्स ऑल। तो हम सब ये पढ़ते हैं बट हमको एग्जैक्ट नहीं पता होता है कैसे डिफाइन करना है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज एक्चुअली क्या होता है कि चार्ज जो है एक बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ठीक है। तो बेसिक क्वांटिटी वो क्या होती है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है वही आपका चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके मूव करने से करंट का फ्लो होता है। तो चार्ज क्या है, एक बेसिक क्वांटिटी है आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जिसका वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसी के बराबर होता है -1.602 × 10⁻¹⁹, ठीक है। तो इसकी चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं करंट पर। करंट क्या होता है अब हम लोग देखते हैं। तो करंट जो है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, दैट इज चार्ज फ्लो होते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि जो चार्ज है उसके फ्लो होने की दर, रेट जो है उसे हम लोग करंट बोलते हैं। तो करंट को हम लोग चेंज से डिफाइन करते हैं, और हमारे जो मैथ्स में देखे या हमारे फिजिक्स में देखे तो चेंज को हमेशा d/dt से डिनोट करते हैं। तो क्यों जो है वो चार्ज है, और चार्ज के फ्लो होने में टाइम के साथ जो चेंज होता है उसे हम करंट बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है करंट की एम्पियर, ठीक है। तो जैसे क्यों जो है उसकी यूनिट होती है कूलाम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो हम लोग कूलाम्स पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म मैं बताने जा रही हूँ वो है वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज, विभव, ईएमएफ, ये हिंदी में विभव बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं इसको, और वोल्टेज भी बोला जाता है। तो जो वोल्टेज होता है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एनी नेटवर्क, ठीक है, उसको हम वोल्टेज से डिफाइन करते हैं। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए रहता है हमको एक चार्ज को नेटवर्क में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, उसे हम वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर हमको जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए वो उस चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए उसके लिए आपको कितना फोर्स लगाना है, कितना वर्क करना है, वो आपका वोल्टेज कहलाता है। तो इसको हम लोग वोल्टेज को भी डिफाइन करते हैं dW/dq से, जहां पे W डिफाइन करता है कि कितना फोर्स या कितना वर्क करना पड़ेगा आपको क्यू चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। जो वोल्टेज का यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, या जूल्स पर कूलाम भी हम लोग इसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पावर क्या होता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कितनी पावर है इस सर्किट की, या इस इक्विपमेंट की, या इस इंस्ट्रूमेंट में कितनी पावर है, हम डिफाइन करते हैं पावर क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। तो जो हम एनर्जी या वर्क, एनर्जी और वर्क को लगभग एक जैसे माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो एनर्जी या वर्क में टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है उसे हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे W जो है वर्क है और T जो है वो टाइम है, तो dW/dt वर्क में टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है उसे हम पावर कहते हैं। तो जो वर्क है उसको हम जूल्स में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, तो इसकी यूनिट होगी जूल्स पर सेकंड, या इसको वॉट भी बोलते हैं। तो पावर की यूनिट होती है वॉट, और पावर को हम लोग V × I से भी डिनोट करते हैं, वोल्टेज इंटू करंट। तो वो कैसे आता है, जैसे कि आपने देखा ये है dW/dt, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक dq कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो dW/dq, dq/dt, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि dW/dq ऊपर हमने देखा था वोल्टेज होता है, और dq/dt जो होता है करंट होता है। तो हम dW/dq की जगह लिख सकते हैं वोल्टेज V, और dQ/dt की जगह हम लोग लिख सकते हैं करंट I। इस तरह से पावर आपका डिफाइन कर सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट, और पावर की यूनिट होती है वॉट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनर्जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था
और वर्ग दोनों सिमिलर ही है तो यहाँ पर दोनों की यूनिट एक ही होगी, जूल्स होगी। तो एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, कि किसी भी वर्क को करने की जो आपकी कैपेसिटी है उसको हम एनर्जी से डिफाइन करते हैं। और जो एनर्जी होती है वो होती है जैसे कि आप कितना वर्क कर रहे हो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इस रेंज में सपोज स्टार्ट किया फिर टी समय बाद आपने कितना वर्क किया तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, पी आपकी होगी जो पावर, और उस टाइम में आपने कितनी पावर यूज की दैट इज एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। तो एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता एनर्जी होती है। लास्ट में जो डिफाइन करने जा रही हूँ दैट इज वर्क, कार्य क्या होता है। तो मैंने जैसे बोला वर्क और एनर्जी सिमिलर ही है, दोनों की यूनिट जूल्स होता है। तो यहाँ पे वर्क को थोड़ा अलग तरीके से हमने डिफाइन कर दिया है कि कितना फोर्स लगा रहे हो इनटू फोर्स लगाने पर किसी भी जो आपका वस्तु है ऑब्जेक्ट है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे कितना आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फोर्स कितना लगाया आपने और फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। सपोज फोर्स एफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट dx का हो गया, तो किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट पे, सपोज ये ऑब्जेक्ट है इस पे आप फोर्स लगा रहे हो एफ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया और ये डिस्टेंस है dx, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना है और डी डिस्टेंस है, तो फोर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, और इसकी भी यूनिट होती है जूल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी टर्मिनोलॉजी और कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे नेटवर्क के। थैंक यू सो मच।